वेलकम टू स्टडी पॉइंट इंग्लिश क्लासेस। कम टू द पॉइंट, नाउ वी डिस्कस्ड अबाउट कंपल्सरी डिनोटर्स सिंपल प्रेजेंट टेंस। दोस्तों आज हम लोग कंपल्सरी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में चर्चा करने वाले हैं, जो काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो हम लोग आज का हेडिंग देंगे कंपल्सरी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस का हिंदी समझ लीजिए, तो इसका इस पर जो हम ट्रांसलेशन बनाएंगे और इंग्लिश बोलना जो सीखेंगे वो आसानी से हम कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए हम लिखें कंपल्सन। कंपल्सन मीन्स होता है बाध्यता या मजबूरी। कंपल्सन मीन्स क्या होता है? बाध्यता या मजबूरी। डिनोटर मीन्स सूचित करने वाला या बतलाने वाला। सिंपल मीन्स सामान्य। प्रेजेंट मीन्स वर्तमान और टेंस मीन्स काल, यानी बाध्यता सूचक सामान्य वर्तमान काल। इसका पूरा हिंदी क्या हो जाएगा? बाध्यता सूचक सामान्य वर्तमान काल। तो दोस्तों इसका सेंटेंस कैसे हम यूज करते हैं और कैसे हम इसका ट्रांसलेशन बोलते हैं, तो इसके बारे में हम लोग क्या करते हैं? डिस्कशन करते हैं। जैसे देखिए, मुझे खाना बनाना है, मुझे पढ़ना है, मुझे रोसरा जाना पड़ता है। तो जैसे मैं बोलता हूँ मुझे रोसरा जाना पड़ता है, तो देखो बोलने से लग रहा है कि क्या से हमें मजबूरी है रोसरा जाना, ठीक है। मुझे यह काम करना पड़ता है, तो मुझे यह काम करना पड़ता है इससे क्या लगता है कि मजबूरी का बोध हो रहा है। तो दोस्तों ऐसे जो सेंटेंस जो हम बार बार अपनी डेली लाइफ में बोलते हैं, ठीक है, मुझे सुबह टहलना पड़ता है, तो पढ़ना पड़ता है इससे क्या लग रहा है कि हमें मजबूरी का बोध हो रहा है। तो ऐसे जो सेंटेंस आते हैं बोलचाल की भाषा में उसे हम कहते हैं कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो दोस्तों इसको हम पहचानेंगे कैसे? देखिए इसका पहचान जो है ना बहुत ही आसान है, ठीक है, और उसको हम पहचान के माध्यम से जानते हैं। इसके पहचान का एक निश्चित और बहुत ही समान सा ट्रिक है, उसको हम देखते हैं। सिर्फ आपको याद रखना है नानी ने पढ़ता पढ़ते पढ़ती, अब प्लस हैं हो हूं। क्या याद रखना है? नानी ने पढ़ता पढ़ते पढ़ती प्लस हैं हूं। अगर ये याद रखिएगा तो इसका ट्रांसलेशन आप आसानी से क्या कर सकते हो? बना सकते हो। तो इसका ट्रिक क्या हो जाएगा? इसका ट्रिक हो जाएगा ना नी ने पढ़ता पढ़ते पढ़ती, और दोनों में क्या होगा? है हे हो और हूं। पढ़ता पढ़ते पढ़ती के बाद भी आपको मिलेगा है हैं हो हूं। तो दोस्तों मैंने यहां क्या देखा, अगर किसी हिंदी वाक्य के अंत में हमको मिल जाए नानी ने या पढ़ता पढ़ते पढ़ती के बाद है हैं हो हूं, तो ये हो जाता है कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस। कोई दिक्कत? यदि आपको कोई भी दिक्कत समझ में आए तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में अपनी परेशानी को लिखिए, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर लीजिए। जो व्यूअर अभी तक लाइक नहीं किए हैं वो लाइक कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और अपने दोस्तों के बीच शेयर कर लीजिए। अगर आप जितने लोग देखते हैं अगर अपने FB पर या Facebook पर या WhatsApp पर इस वीडियो को शेयर करते हैं तो इस वीडियो का व्यूअर बहुत तेज़ी से बढ़ जाएगा, सब्सक्राइबर भी बढ़ जाएगा।
इस वीडियो इस चैनल को प्रमोशन करने प्रमोट करने की में आप ही लोग की सबसे ज़्यादा मदद की ज़रूरत है हमें, इसलिए आप लोग शेयर करना ना भूलिए। तो दोस्तों अब हम चलते हैं इसका ट्रांसलेशन पर, कैसे ट्रांसलेशन बनाएंगे और कैसे हम उसका स्पीकिंग करेंगे। तो दोस्तों जैसे देखिए इसका सबसे पहले हम अफर्मेटिव सेंटेंस पे आते हैं, डायरेक्ट स्ट्रक्चर पर ही आते हैं और स्ट्रक्चर के माध्यम से हम चर्चा करेंगे और बोलेंगे भी। तो दोस्तों जैसे देखिए इसका पहला स्ट्रक्चर होगा कौन सा, अफर्मेटिव सेंटेंस। सब सेंटेंस में हम स्ट्रक्चर में पहला स्ट्रक्चर क्या देते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस। दोस्तों पहला स्ट्रक्चर आपका क्या है, अफर्मेटिव सेंटेंस। देखिए बहुत ही आसान स्ट्रक्चर है, जैसे पॉसिबिलिटी डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस में हम क्या लिखते थे, सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस वी सिक्स प्लस अदर वर्ड। इसमें इज आर एम के जगह हैज या हैव क्या कर देना, रख देना, बस अपने आप हो जाएगा। तो देखिए इसका हो जाएगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी सिक्स प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। जो दोस्तों पहली बार मेरी ये वीडियो देख रहे हैं तो उनको कन्फ्यूजन होगा वी सिक्स क्या है, आज तक वो वी सिक्स सुने ही नहीं होंगे, तो मैं उन्हें बता देता हूँ वी सिक्स किसको कहते हैं। वी सिक्स बराबर होता है टू प्लस वी वन, यानी आप वी वन के पहले जब टू लगा देते हैं तो वही क्या बन जाता है, वी सिक्स। कन्फ्यूजन क्लियर। अब चलिए इसका यूज कैसे हम अपने डेली लाइफ में करते हैं। जैसे हम कहते हैं मुझे यह काम करना पड़ता है, एक ट्रांसलेशन लिखते हैं मुझे यह काम करना पड़ता है। दोस्तों गौर से देखिए हम जो अभी ट्रांसलेशन लिखे हैं यहां, मुझे यह काम करना पड़ता है, आप गौर से देखेंगे यहां लास्ट में क्या है, पड़ता प्लस है। देखो मिला कि नहीं मिला, नानी ने पड़ता पढ़ते पढ़ती में से आपका पड़ता मिल गया और है उनमें से है मिल गया। तो दोस्तों इसका मतलब यह क्या है, कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, यानी हमको ये कौन सा टेंस का स्ट्रक्चर पता चल गया। अब इसमें से ये कौन सा स्ट्रक्चर के अंतर्गत बनेगा, तो अफर्मेटिव सेंटेंस है क्योंकि इसमें कोई विशेष चीज लगा ही नहीं हुआ है, ठीक है, यानी ये अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसका स्ट्रक्चर आपके सामने है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस वी सिक्स प्लस अदर वर्ड। तो दोस्तों हम यहां क्या करेंगे, सब्जेक्ट है मुझे, तो मुझे का अंग्रेजी यहां क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट की जगह है तो आई होगा, ठीक है। आई के साथ हैज या हैव में से क्या लगता है, हैव लगता है। आई ध्यान रखिए आई वी यू और दे और प्लुरल नाउन के साथ हैव का प्रयोग होता है, नहीं तो बाद बाकी जितने हैं सबके साथ हैज का प्रयोग होता है, जैसे ही सी इट और सिंगुलर नाउन सबके साथ हैज का प्रयोग होता है। कोई कंफ्यूजन दोस्तों, नहीं ना, तो चलिए आई के साथ हम हैव का प्रयोग करेंगे, आई हैव। अब देखिए वी सिक्स हैज या हैव के बाद क्या आता है, वी सिक्स, तो करना, करना का अंग्रेजी डू, डू का वी सिक्स बनाइएगा तो टू डू, यह काम का अंग्रेजी दिस वर्क हो गया, आई हैव टू डू दिस वर्क, मुझे यह काम करना पड़ता है, समझ में आ गया। अब हम दो तीन ट्रांसलेशन हम बोलते हैं और आप लोग मेरे साथ बनाइएगा, ओके। जैसे मैं बोल रहा हूं मुझे यह किताब पढ़ना है, इसका अंग्रेजी क्या हो जाएगा, आई हैव टू रीड दिस बुक। कंफ्यूजन क्लियर। अगला ट्रांसलेशन हम बोल रहा हूं मुझे दरभंगा जाना है, तो लास्ट में देखिए नाम मिल गया और प्लस है मिल गया, इसका क्या बनेगा, आई हैव टू गो टू दरभंगा, आई हैव टू गो टू दरभंगा, मुझे खाना बनाना पड़ता है, आई हैव टू कुक फूड, उसे खाना बनाना पड़ता है, ही हैज टू कुक फूड, उसे कपड़ा साफ करना पड़ता है, ही हैज
टू वॉश क्लॉथ। इस तरह बहुत सारे ट्रांसलेशन क्या कर सकते हो दोस्तों, बना सकते हो। यानी एक स्ट्रक्चर आप कमांड कर लीजिएगा तो आप उस पर अपने डेली जीवन के लाइफ में जो हम अंग्रेजी बोलते हैं आसानी से क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कंफ्यूजन क्लियर? अब हम लोग इसका दूसरा स्ट्रक्चर पर चलते हैं। अब देखिए दूसरा स्ट्रक्चर बहुत ही आसान है। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, तो दूसरा क्या होगा? जो रेगुलर देख रहे हैं उन्हें तो पता ही होगा, जो आज देख रहे हैं उनको नहीं पता होगा। तो जो आज मेरा वीडियो सिर्फ देख रहे हैं, इससे पहले कोई वीडियो मेरा नहीं देखे, उन्हें मैं कहना चाहूँगा आप मेरे सभी सीरीज 1 से लेके 20 तक मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ, आप लोग शुरू से देख लीजिएगा, बहुत मज़ा आएगा, ठीक है आप लोग पूरा। और मेरे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए अब दूसरा पे हम चलते हैं, निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी होता है नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है दोस्तों? नकारात्मक वाक्य। निगेटिव सेंटेंस का हिंदी क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। अब चलिए हम इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। कुछ नहीं है स्ट्रक्चर में, सब यही स्ट्रक्चर अफर्मेटिव सेंटेंस का ही उतरता है, सिर्फ हैज या हैव के बाद नोट लग जाता है। तो यहां स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस नोट प्लस V6 प्लस अदर वर्ड प्लस फुल स्टॉप। दोस्तों अब इस पे हम ट्रांसलेशन बनाते हैं। जैसे उन लोगों को गरीबों की सेवा नहीं करनी है, उन लोगों को गरीबों की सेवा नहीं करनी है, इस तरह हम बोलते हैं तो हम लिखते हैं उन लोगों को गरीबों की सेवा नहीं करनी है। तो दोस्तों गौर से देखो, इसमें पहचान क्या मिल गया? लास्ट में नी प्लस है। पहचान क्या मिला? नी प्लस है। नानी नी में से नी मिल गया, नानी में से नी मिल गया, ठीक है। तो नानी में से आपको नी मिल गया तो नी प्लस है, यानी ये कंपल्सन डिनोटर सिंपल प्रेजेंट टेंस है। उसका कौन सा स्ट्रक्चर है? नहीं मिल गया तो निगेटिव सेंटेंस है। दैट्स क्लियर। अब इसका ट्रांसलेशन बना लेते हैं स्ट्रक्चर पर। अब देखिए सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है यहाँ? उन लोगों को, उन लोगों का अंग्रेजी यहाँ सब्जेक्ट के स्थान पर दे होगा, उन लोगों का सब्जेक्ट के स्थान पर इंग्लिश क्या होगा? दे। तो हम यहां लिखेंगे दे। क्या लिखेंगे दोस्तों? दे। अब दे के साथ हैज या हैव में क्या लगता है? हैव लगता है। अब उसके बाद क्या है? नोट। तो नोट लगाएंगे। अब देखिए V6 सेवा करना का अंग्रेजी सर्व होता है, सर्व का V6 बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? सर्व के पहले 2 लगा दीजिए तो 2 सर्व होगा। क्या होगा? 2 सर्व। अब गरीबों की, गरीब सिंगलर है या प्लुरल? यहां प्लुरल है, यानी बहुत गरीब है, तो द पुअर लिखेंगे। देखिए एक बात मैं यहां बताना चाहूंगा, कोई भी एडजेक्टिव के पहले सामान्यतः जब द लग जाता है तो वो प्लुरल फॉर्म हो जाता है। जैसे अमीर लोग द रिच, गरीब लोग द पुअर, ठीक है। तो इस तरह अंधे लोग द ब्लाइंड, इस तरह आप लोग यहां द पुअर का प्रयोग क्यों किए आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस पे हम 5-6 ट्रांसलेशन देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम बढ़ेंगे। ओके देखिए, जैसे मुझे यह काम नहीं करनी है, क्या हो जाएगा? आई हैव नॉट टू डू दिस वर्क। ओके मुझे उन लोगों को मदद नहीं करनी है, आई हैव नॉट हेल्प देम, आई हैव नॉट टू हेल्प देम होगा, आई हैव नॉट टू हेल्प देम। ओके
इस तरह आप बहुत सारे ट्रांसलेशन को क्या कर सकते हो, बना सकते हो। कोई कन्फ्यूजन? यदि आप लोग को कोई कन्फ्यूजन है तो मैं बार बार कहता हूँ कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दीजिएगा। ओके, चलिए अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम इस पर गौर से करेंगे तो हम देख रहे हैं कि कंपल्सन डिनोटर सिंपल सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम आसानी से बना सकते हैं। ओके, तो आज भर यहीं तक रहने दीजिए। कल इसका तीन स्ट्रक्चर और बच गया है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव निगेटिव सेंटेंस और WH क्वेश्चन। ठीक है, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है जिस कारण आप लोग नहीं देख पाते हैं, तो मैं इसको यहीं छोड़ रहा हूँ। आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए, जब तक समझ में नहीं आया तब तक देखिए। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं आपकी कमेंट पढ़कर उसका उत्तर नेक्स्ट वीडियो में देने की कोशिश करूँगा। और इसे शेयर अवश्य कीजिए, जो मेरे रेगुलर व्यूअर हैं उन्हें अपने दोस्तों के बीच शेयर अवश्य करिए। थैंक यू, सी यू टुमारो।